हम इंसानों की फितरत कुछ ऐसी है कि जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उसकी हमें कोई कीमत नहीं होती, फिर चाहे वो चीज कितनी ही कीमती हो। लेकिन वहीं मोल चुकाकर खरीदी गई किसी सस्ती वस्तु को भी हम बड़ा संभाल कर रखते हैं। ठीक यही हो रहा है हमारी अमूल्य संपदा, हमारा बेशकीमती खजाना यानी कि हमारी प्रकृति के साथ। किसी जंगल के 215,000 पेड़ों का हीरों के लिए काटा जाना इस प्रकृति की हत्या करने की कोशिश करने जैसा है। ऐसा करने से न केवल जंगलों और जंगली जानवरों को नुकसान होगा, बल्कि इसका सीधा असर हम इंसानों पर भी होगा, और अगर ऐसा हुआ तो परिणाम भयावह होंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल की, जहां जमीन के नीचे दबे 50,000 करोड़ के हीरों के उत्खनन के लिए 215,000 पेड़ों को काटे जाने की योजना है। 50,000 करोड़ के हीरे सुनने में तो बेशकीमती लगते हैं, लेकिन क्या ये उन 215,000 पेड़ों से भी कीमती हैं? अगर हम पेड़ों की कीमत को उनके खरीदी मूल्य से नापेंगे तो शायद ये 50,000 करोड़ के हीरों के आगे कुछ नहीं लगेंगे, लेकिन अगर बात इनके कटने से होने वाले नुकसानों की करें तो ये प्रकृति को होने वाली एक अपूर्ण क्षति होगी, जिसके सामने ये बेशकीमती हीरे भी कहीं नहीं लगेंगे। और यही वजह है कि बक्सवाहा के आसपास रहने वालों ने इन पेड़ों की कटाई का विरोध करना शुरू कर दिया है। बात करते हैं जंगलों में पाए जाने वाले बेशकीमती पेड़ों की। इस जंगल में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कई अलग अलग तरह की दवाइयों में भी किया जाता है। इन जंगलों में पीपल के पेड़ भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों से कई रोगों का इलाज किया जाता है। ये खून साफ करने का काम भी करता है। इनके अलावा ही इस जंगल में हेड़ा और तेंदू सहित महुआ के भी कई सारे पेड़ हैं। यदि इन सभी पेड़ों को एक बार में ही नष्ट कर दिया गया तो इन जंगलों में रह रहे वन्य जीव कहाँ जाएंगे? अगर उन्हें पनाह ना मिली तो इन जंगलों के नष्ट होने के कुछ समय बाद वे भी नष्ट हो जाएंगे। पेड़ों के कटने का सीधा असर जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर दिखने लगेगा। बक्सवाहा का ये जंगल बेशकीमती पेड़ों के साथ साथ कई वन्य जीवों को भी पनाह देता है। इस क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा, हिरण और मोर के साथ ही और भी कई सारे जानवर पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर भारत में विलुप्त हो रहे गिद्ध भी पाए जाते हैं। ऐसे में यदि इन पेड़ों को काटा गया तो ये सभी पशु पक्षी बेघर हो जाएंगे और भोजन पानी की तलाश में भूखे ही मर जाएंगे, जो कि जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। अगर इतना सब रिस्क लेकर भी पेड़ों को काटकर हीरे के उत्खनन का काम किया गया तो ये क्षेत्र एक नई समस्या से जूझ सकता है, वो है पानी की कमी की। वैसे ही बक्सवाहा और आसपास का क्षेत्र पानी की किल्लत को झेल रहा है। ऐसे में किसी कंपनी द्वारा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने पर इसमें काफी मात्रा में पानी की भी जरूरत होगी, जिससे क्षेत्र में जल संकट पहले की मात्रा में और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा उत्खनन किए गए क्षेत्रों की भूमि भी बंजर हो जाती है, जिससे कि भविष्य में भी वहाँ समस्या बनी रह सकती है। दोस्तों, ये तो केवल वो परिणाम है जिनके बारे में हम जानते हैं और जिनके होने की संभावना है, लेकिन यदि ये पेड़ काटे गए तो आगे हमें कुछ ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है जिनका हमें अभी जरा सा भी अंदाजा नहीं है। हम आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के मुताबिक एक पेड़ की औसत उम्र 50 साल मानी गई है, और इन 50 सालों में एक पेड़ 50 लाख रुपए की कीमत के बराबर की सुविधाएं हमें देता है। इतना ही नहीं, एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 23.5 लाख रुपयों का प्रदूषण कम करता है। एक पेड़ जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में जितनी मदद करता है वो करीब 20 लाख रुपए की कीमत के बराबर है। तो इस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए के हीरे ज्यादा कीमती है या फिर ये पेड़। इन पेड़ों से मिलने वाली शुद्ध ऑक्सीजन की किल्लत को तो हमने हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान देखा ही है। बावजूद इसके यदि ये जंगल, ये 2 लाख पेड़ नष्ट कर दिए गए तो प्रकृति शायद हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए जरूरत है इन पेड़ों और जंगलों को बचाने की। हम बक्सवाहा के जंगलों के कटने का विरोध और संरक्षण का समर्थन करते हैं, और आप? अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो जुड़ जाइए #SaveBaksawahaForest की मुहिम से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और लोगों को इस मुहिम से जोड़ बक्सवाहा के इन जंगलों को बचा सके।
आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा, नमस्कार।